नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नई कहानी के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम एक कहानी श्रवण करेंगे। कहानी जो है डर पर आधारित है। विद्यार्थियों, हम अपने जीवन में कभी कभी कठिन परिस्थितियों में डर जाते हैं और आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन हमें कठिन परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका निडरता से सामना करना चाहिए। तभी तो हमें अपने फल की प्राप्ति होगी और हमें सुख का अनुभव होगा। तो आइए आज एक ऐसी ही कहानी को हम श्रवण करेंगे। कहानी का शीर्षक है डरपोक पत्थर। हाँ, आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। डरपोक पत्थर। बहुत पहले की बात है कि बहुत समय की बात है कि एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। शिल्पकार का अर्थ होगा जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाता है। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया मूर्ति बनाने के लिए, जिसको देखकर शिल्पकार बहुत खुश हुआ और मन ही मन कहता है कि इस पत्थर की मूर्ति तो बहुत ही बढ़िया बनेगी और यह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। जब वह जंगल से घर की ओर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे और एक अच्छा पत्थर मिल गया। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। लेकिन यह क्या, औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई, अर्थात हथौड़ी और छन्नी से जब शिल्पकार पत्थर को चोट करने लगा तो अचानक पत्थर बोल उठा, बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की आवाज़ में करुणा थी, दर्द था। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। लेकिन दूसरा पत्थर कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप शांति से शिल्पकार को अपना काम करने दिया। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर की बहुत ही अच्छी, बढ़िया और सुंदर भगवान की मूर्ति बना ली। अब गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद वह मूर्ति लेने के लिए शिल्पकार के पास आते हैं। मूर्ति को देखकर गांव के लोग बहुत ही खुश होते हैं कि मूर्ति तो बहुत बढ़िया बनी है। अब जैसे ही वे मूर्ति को उठाते हैं तो उन्हें वह दूसरा पत्थर भी नज़र आता है। तो वे सोचते हैं हमें नारियल फोड़ने के लिए और एक पत्थर की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने वहाँ रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया, उसकी स्थापना कर दी और पहले वाले पत्थर को भी मूर्ति के पास रख दिया नारियल फोड़ने के लिए, जो कि शिल्पकार को कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। आगे अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन करने आते तो वह उस भगवान की मूर्ति को फूलों से सजाते, फूलों से पूजा करते, दूध से नहलाते और जो पास में पत्थर रखा था उस पर नारियल फोड़ते थे। जब
लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वह पत्थर बहुत परेशान हो जाता। उसको दर्द होता था और वह चिल्लाता था, चीखता था, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात की और कहा, तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से नहलाते हैं और लड्डुओं का प्रसाद भी चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने क्या कहा विद्यार्थियों, कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था तो तुमने उसे रोका और उसे रोकते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, अगर तुम उस समय उसे नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुन लिया इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ में आ गई। उसने कहा, अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूँगा, कठिन परिस्थिति में भी डरूंगा नहीं, उसका सामना करूँगा। अब इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते, लेकिन वह पत्थर कुछ भी ना कहता, चुपचाप पड़ा रहता। अब क्या हुआ, नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग तो देते लेकिन साथ साथ में पत्थर को भी प्रसाद का भोग लगाते। अब पत्थर खुश हो गया कि अब लोग मेरी भी पूजा करते, मुझे भी प्रसाद का भोग लगाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए, कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, डर कर हमें भागना नहीं चाहिए, अर्थात डर का मुकाबला करना चाहिए। तो जो भी कठिन परिस्थितियों से बढ़कर आगे जाता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो कठिन परिस्थितियों को मुंह देकर आगे बढ़ना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अवश्य समझ में आई। विद्यार्थियों, एक नई कहानी के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आऊँगी। धन्यवाद।